रविवार को भारत बंद के दौरान भीम आर्मी ने शहर की दुकानों को बंद करवाया था। कई दुकानदारों ने इसका विरोध किया था। फ्रीगंज और गोपाल मंदिर पर दुकानदारों से दुकानें बंद करवाने पर भीम आर्मी की झड़प भी हुई थी। मामले को लेकर उज्जैन पुलिस ने 25 से 30 लोगों के खिलाफ धारा 188 में प्रकरण दर्ज किया है। आरक्षण को मौलिक अधिकार से हटाने CANPR के विरोध में भीम आर्मी ने रविवार को भारत बंद का आह्वान किया था। टावर चौक पर एकत्रित होकर DJ गाड़ी के साथ रैली के रूप में कार्यकर्ता जबरन दुकानें बंद कराने पहुंचे। कई जगहों पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं और दुकानदारों के बीच झड़प भी हुई है। मामले के तहत उज्जैन पुलिस ने माधव नगर थाने पर भीम आर्मी के 25 से 30 कार्यकर्ताओं पर धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कुछ दिन पूर्व भी पुलिस ने भाजपा के 60 कार्यकर्ताओं पर प्रकरण तो दर्ज किया था, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। कल उन्होंने सूचना दे के एक भीम आर्मी के बैनर तले भारत बंद का आह्वान था और उस पे जो है उज्जैन में भी उन्होंने किया था और टावर से स्टार्ट करके लगभग शहर का प्रमुख मार्गों पर उन्होंने जो है अपना बंद का की अपील करी है लोगों से। उस बीच जो है कई जगह आपत्तिजनक चीज़ें आई हैं, उसी को लेके थाना माधवनगर पर 188 का मुकदमा लगभग 25-30 लोगों के खिलाफ कायम किया गया है।